about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Not looking back, eyes on the freeway. Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run. गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम ऑन अ लवली ब्यूटीफुल डे. आई एम शोमिक और आप सब देख रहे हैं वुल्फ ऑन स्ट्रीट. आज डे 4 है मेरे नॉर्थ बंगाल ट्रिप का और अभी हम लोग हैं लावा में. बट इधर से हम लोग निकलने वाले हैं झलोंग के लिए. झलोंग एक छोटा सा गांव है भूटान बॉर्डर पे. आपको रोड पे आगे डिटेल में बताता हूँ झलोंग किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं. बट फिलहाल पहाड़ों से नीचे जाने का वक्त आ गया है. सो से गुड बाय टू द ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ लावा. सो गाइज, वी हैव फाइनली लेफ्ट फॉर झलोंग. लावा में हम लोग 2 दिन थे. एंड अ क्विक चेक लिस्ट, वी हैव चेक्ड आउट फ्रॉम लावा, वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट. राइट नाउ वी आर ऑन रूट टू झलोंग. झलोंग जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट साइट सीन है उधर का, वो करते हुए जाएंगे. देन वी विल स्पेंड द नाइट एट झलोंग एंड बाकी कल होगा. राइट नाउ वी आर गोइंग डाउन फ्रॉम लावा. पहाड़ से वापस प्लेन लैंड पे जा रहे हैं. एंड दैट्स गुड बाई टू दिस ब्यूटिफुल माउंटेन्स ऑफ हिमालयस एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ लावा. आप सबसे आगे रास्ते पे मिलते हैं. टिल देन एंजॉय द सिनेमैटिक्स ऑफ दिस रूट. बाय. Check this out. This is the Neora River, which actually flows from all the way to top of Kalingprom, starting from the Neora Valley Natural Reserve, and goes all the way that side towards Gorumara. And it's a long river, completely glacier river, that flows throughout the year, irrespective of mountain condition and something. These falls on the bridge that enroutes Samsing. This is the actual most important part of this route. I always think that destination lies just there, but the roads are the most beautiful part of the destination.
And this river actually proves that. I don't know what we will be finding in something, but this river worth the money. Now we are in the forest trail that will lead us to the Sakham forest, and that is the route to Samsing. So this forest trail is going to take us down there, down that side there is a river, and through the river side there is Sakham forest, through which we are heading towards Samsing. Samsing is the first destination of today, and from there we will continue towards Shillong. After visiting the Neura River, हम लोग गाड़ी अपना पीछे छोड़ के आए, जो कि पीछे 1 किलोमीटर है. उसके बाद हम लोग सोनकाले खोला रिवर साइड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि थोड़ा आगे होगा इधर से. इट्स अ 1 किलोमीटर शॉर्ट रॉकी रूट. उसके बाद आपको सोनकाले खोला रिवर साइड मिलेगा, एंड देर आर सम कॉटेज, यू कैन स्टे हियर. एक्चुअली ये कॉटेज का ही एरिया है, बट पीपल ऑल्सो कम टू विजिट. तो उधर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है. Every down trek is risky when you are doing in a wet place, and especially in rainy season. और सोनकाले खोला का ट्रैक भी वैसा ही है, छोटा सा ट्रैक है, ट्रैक भी नहीं बोल सकते, जस्ट डाउन रोड. बट थ्रू आउट द रोड इट्स फिल्ड विद फॉरेस्ट, एंड आपको इधर हर जगह पे, हर मोड़ पे छोटे छोटे रिवर्स देखेंगे जो मेन रिवर्स में जाके मिल रहे हैं. सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, बट इट्स फिल्ड विद डग्स, बीटल्स एंड मॉस्किटोज. दिस इज हाउ सोनकाले खोला नेचर कैंप लुक्स लाइक. दिस इज लाइक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इनिशिएटेड नेचर कैंप, एंड यू कैन हैव एनी ऑफ दोज कॉटेज ओवर हियर, वाइल देयर इज द रिवर फ्लोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर कॉटेज. सो इफ यू आर लिविंग हियर, इट्स अ डैम सेक्सी, डैम नेचर फ्रेंडली, ऑफबीट प्लेस. बट इफ यू आर हियर जस्ट टू सी इट, इट डजेंट मेक इट वर्थ. सो जस्ट डोंट कम हियर. इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, जस्ट स्टे इन दिस प्लेस. इट्स लाइक नॉट ओपन ड्यूरिंग कोविड सीजन, बट वंस इट ओपन, कम हियर. इट्स सो क्लीन वाटर, एंटायर वाटर इज कमिंग फ्रॉम द माउंटेंस, इट्स नेचुरल वाटर, इट्स सो क्लीन एंड फ्रेश. So
तो सुनथाली खोला आपने देखा, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वी आर रिटर्निंग बैक, बट सुनथाली खोला आपने जितना देखा उतना नहीं है, सिर्फ और भी है, देयर आर मोर कॉटेजेस डाउन द रिवर साइड, बट वी डिडंट गो ऑल द वे डाउन बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। हम लोग को और भी दो डेस्टिनेशन कंप्लीट करना है, फिर झलंग पहुँचना है, और आज शाम तक झलंग पहुँचना है क्योंकि उधर रिवर साइड रूम है, तो द व्यू विल बी ऑसम, जो मेरे को ऑब्वियसली देखना है, पेइंग फॉर इट, आई डोंट वॉन्ट टू मिस इट। सो पूरा डाउन तक नहीं गए, जितना गए उसमें एक कॉटेज दो कॉटेज देख लिए, बट यू गाइस कैन गो इफ़ यू वॉन्ट, मोर और लेस द थिंग विल बी सेम, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू हेड इन द नेक्स्ट डायरेक्शन। सो वी आर ट्रेकिंग अप टू द कैंप एंड देन आवर कार। आई होप आई हैव टेकन अ कॉटेज ओवर हियर, अच्छा है व्यू इधर का, तो जंगल के बीच शांत बहुत अच्छा लगता है रहने को रात में। And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. अभी सुनतेला खोला से हम लोग जा रहे हैं रॉकी आइलैंड। बाय द वे अगर मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा है या मेरे गले में खराश लग रही है तो सॉरी, जब से लावा गया हूँ तब से नाक बंद है, सर्दी हो गया है, सो मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, व्लॉगिंग करते करते चलते चलते सांस लेना इज टफ, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, पार्डन दैट पार्ट। अभी रॉकी आइलैंड जाते हैं फिर दिखाते हैं, ऑन दी वे एंजॉय द सिनेमैटिक्स। एंड अभी बारिश भी हो रहा है इधर इन द मिडल ऑफ स्ट्रकम फॉरेस्ट, इट्स डैम ऑसम वेदर इन मिडल ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत अच्छा वेदर है और बहुत अच्छा सीनरी है। ठीक है आगे जाके दिखाते हैं रॉकी आइलैंड आपको। There's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. रॉकी आइलैंड भी एक रिवर कैंप है जो ऊपर उस तरफ है, ये नेवरा रिवर ही है जो हम लोग ने पहले ब्रिज पे देखा था और फिर उधर नीचे में देखा है सुनतेले खोला कैंप में, ये भी वही रिवर है, जस्ट इट्स अ डिफरेंट स्पॉट। बहुत स्लिपरी है इधर, आपको नीचे तक जाना है, आप जाके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं इधर, जस्ट लाइक दोस्त गाइस, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है आपको कैंपिंग करना है तो इधर जो कैंप है वो आफ्टर 15th ऑफ सेप्टेम्बर खुल जाता है, एंड देन यू कैन कैंप ओवर देयर, और यू कैन कैंप ओवर देयर, इट्स अ बोथ साइड कैंप ऑन द बोथ दी साइड्स, नहीं तो आप इधर आएँ फोटो खिंचवाएँ और क्या। दिस प्लेस इज डैम सेरीन एंड द वाटर प्रेशर इज वेरी हाई ओवर हियर, यू कैन नॉट स्विम, यू कैन नॉट गो इन टू दी वाटर, यू हैव टू जस्ट स्टे इन दी बोल्डर्स एंड टेक गुड पिक्स। व्हेन आई एम विद यू आई फील सो मच बेटर, या बिफोर यू आई वाज जस्ट अ शेल सो स्टक इन द डार्क। You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't.
checked in our homestay. It is like our bed for the night. Let me give you a home tour. This is the passage and this is the room. And this is the fake-in view for which I took this place. This is the Jol Dhaka River. This side is India and that side is Bhutan. Right, that side is Bhutan. If you cross this river, you are in the Bhutan part. This is the international border in India and Bhutan. And this is the place name of this place is RJ Homestay. If you guys want, I will like add the link in the description of the place. This is the exact view which I am going to get on like morning. And this is a kind of veranda thing. So I'm thinking of ending this vlog right now. Tomorrow is the day 5 and the final day of my North Bengal trip. So stay tuned for that. Till then, subscribe my channel and like the videos. Also comment if you have any kind of suggestions. Thank you. Stay in peace. Bye. 'Cause I know